ओम शांति आज 14 मई 2017। बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए वे महावाक्य जिनका रसा स्वादन हमने आज अपनी प्रातः क्लास में किया आइए अब उस पर हम मनन और चिंतन करेंगे ये मुरली ओरिजिनल 29 मार्च 1982 की है और आज इतने वर्षों के बाद जब इसको पुनः हम पढ़ रहे हैं तो हम सब ने ये अनुभव किया होगा कि बाबा ने हमें कितना उच्च कोटि का ज्ञान कितनी उच्च कोटि की धारणाएं बताई हुई हैं सच में देवता बनना कोई इतना सरल भी नहीं है अगर इन धारणाओं की गहराई में हम जाते हैं और अपने आप की चेकिंग करते हैं तो हम पाते हैं कि पुरुषार्थ की तो अभी बहुत मार्जिन शेष है आइए बाबा ने कहा कि सच्चा वैष्णव कौन आमतौर पर कोई वेजिटेरियन डाइट लेता है उसे हम वैष्णव कह देते हैं लेकिन बाबा ने अक्षर ऐड किया सच्चा वैष्णव मानसिक वैष्णव वो कौन है बाबा के ही महावाक्यों को मैं पढूंगी और उससे हम इस चीज़ के विस्तार को देखेंगे बाबा बोले आज मैं गुणों की माला बना रहा हूँ और हर एक श्रेष्ठ आत्मा के श्रेष्ठ गुण की माला बना रहे थे श्रेष्ठ बाप के हर एक श्रेष्ठ बच्चे की अपनी अपनी विशेषता है पहली बात तो ये एटीट्यूड की है कि हर बच्चे की अपनी विशेषता है परमात्मा कहते हैं कि जिनको मैं ब्रह्मा के द्वारा अपनी संतान बनाता हूँ ब्राह्मण बनाता हूँ वो जितनी भी आत्माएँ हैं उन सब में अनेक विशेषताएँ हैं अपनी अपनी तरह की विशेषताएँ हैं लेकिन कम से कम एक मुख्य विशेषता सब में है ऐसा हो नहीं सकता कोई बाबा का बच्चा ब्राह्मण बने और उसमें कोई विशेषता ही ना हो ये बाबा ने इसमें बहुत कै, कैटेगरी कली ये हमको बताया है ताकि हम विशेषताओं को देखने में कोई कमी ना रह जाए हमारी हम ये ध्यान रखें कि कोई भी बाबा का ब्राह्मण बच्चा उसमें एक विशेषता तो है ही है तो विशेषता देखने वाला कम से कम एक विशेषता तो हर एक में कोई गुण न हो ये हो नहीं सकता उसी गुण के आधार से ही ब्राह्मण जन्म में जी रहे हैं अर्थात जिंदा हैं। उस गुण के आधार से ही जी रहे या जिंदा है ड्रामानुसार उसी गुण ने ही ऊंचे ते ऊंचे बाप का बच्चा बनाया है उसी गुण के कारण ही प्रभु पसंद बने हैं परमात्मा ने जिनको पसंद किया तो जरूर कोई ऐसा विशेष श्रेष्ठ गुण उस आत्मा में है और उस श्रेष्ठ गुण के कारण ही बाकी कमियां भी हैं तो उस कारण ही वह जिंदा है और आगे बढ़ रहे हैं तो लाइफ लाइन है जैसी एक श्रेष्ठ गुण सब बच्चे का ये हम हमको बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कई बच्चे दूसरों में तो क्या अपने में भी ऐसा हीन भाव कभी कभी ले आते हैं कि मेरे में तो कुछ गुण है ही नहीं मैं तो कुछ भी नहीं हूँ ये भी भूल जाते हैं कि परम पिता परमात्मा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने वाले ने हमको चुना है तो अवश्य ही कोई श्रेष्ठ गुण देखा होगा ज़रूर फिर बाबा ने अब हम बच्चों को शिक्षा दी है बाबा कहते ऐसे हर ब्राह्मण आत्मा के गुण को देखने से श्रेष्ठ आत्मा का भाव सहज और स्वतः ही होगा क्योंकि गुण का आधार है ही श्रेष्ठ आत्मा कई आत्माएं गुण को जानते हुए भी जन्म जन्म की गंदगी को देखने के अभ्यासी होने कारण गुण को न देख अवगुण ही देखती हैं। लेकिन अवगुण को देखना अवगुण को धारण करना ऐसी ही भूल है जैसे स्थूल में अशुद्ध भोजन पान करना क्योंकि जो मन का भोजन है वो तो संकल्प, संकल्प है।, है। अब बाबा कहता है कि मैंने बताया है और समझते भी हैं कि परमात्मा के परिवार में कोई आत्मा आई है तो उसमें श्रेष्ठ गुण है फिर भी कहा जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि hmm. अगर किसी आत्मा ने एनक ही ऐसा पहन रखा है hmm. जैसे कहते हैं सावन के अंधे को हरा ही हरा नज़र आता है hmm. उसको आदत गंदगी देखने की अवगुण देखने की है तो गुण को देखेगी ही नहीं कितने भी गुण वो तो अवगुण ही ग्रहण करेगी फिर बाबा ने कहा इस प्रकार का अवगुण ग्रहण करने वाले को ये समझना चाहिए वैष्णव तो क्या वो तो आहार के वैष्णव हैं जिसके मन के अंदर इत, इस प्रकार की गंदगी है वो मानसिक वो वैष्णव नहीं है बाबा ने ये जो बात कही कि संस्कार है बहुत काल का गंदगी देखने का तो वही चीज देखते हैं क्योंकि तो माया क्या करती रही है माया का काम है हमको भ्रमित करके जो देखना चाहिए वो ना देखें जो नहीं देखना चाहिए वो देखें ये तो द्वापर से लेकर क्या करते हैं अवगुणों की ही माला फेरते आए हैं दूसरों के भी अवगुणों की माला फेरते आए हैं अपने भी अवगुणों की माला फेरते आए हैं परमात्मा तक को कहते रहे हैं भजन में प्रभु जी मेरे अवगुन चित्त ना धरो अब क्या कह रहे हैं क्या जैसे तुम दूसरों के चित्त धरते हो क्या प्रभु जी को भी दूसरों के चित्त धरने की आदत है क्या परमात्मा कहते हैं मैं तो अपने बच्चों को कहता हूँ किसी के अवगुण मत देखो तो मैं कैसे अवगुण देखूंगा तो ये ऐसी बातें भगत लोग करते हैं तो जन्म जन्मांतर से अवगुण ही देखते आए फिर इसके बाद बाबा ने बहुत जबरदस्त बात कही है बाबा कहते हैं अगर किसी का अवगुण अथवा कमजोरी स्वयं में धारण करते हो तो समझो अशुद्ध भोजन खाने वाले हो सच्चे वैष्णव नहीं विष्णुवंशी नहीं लेकिन राम की सेना हो जाएंगे इसलिए सदा गुण ग्रहण करने वाले गुण मुहूर्त बनो जैसे नॉन वेजिटेरियन फूड से हम लोग दूर भागते हैं ऐसे बाबा कहते ऐसा ही एटीट्यूड अवगुण के प्रति भी होना चाहिए और खास तौर पे बाबा ने राम की सेना कहा है। हाँ जी अब ये जो दिखाया गया एक तो है विजयी रत्नों की सेना जो विष्णु की सेना कहते हैं वैष्णव कहते हैं विष्णु के दो रूप श्री लक्ष्मी नारायण हैं कि जो श्री लक्ष्मी श्री नारायण के कुल में आने वाले देवता हैं वो पिछले जन्म में पक्के ब्राह्मण सच्चे वैष्णव होंगे लेकिन जो हाफ कास्ट हैं जो अधूरे हैं वो क्या होंगे तो बाबा ने बताया वो फिर राम की सेना में जाएंगे और राम जी को हमेशा तीर कुमान के साथ योद्धा के रूप में दिखाया गया है यहाँ तक योद्धा के रूप में दिखाया गया है कि सिंहासन पर बैठे हुए भी उनको तीर कमान दिखाया गया है और उनकी सेना का नाम क्या बताया गया बानरों की सेना ली तो बानरों में क्या होता है बानरों में तो बहुत चंचलता होती है विकार होते हैं अशांति होती है तो बाबा कहते हैं जो इस प्रकार के अवगुण धारण करेंगे अपने अंदर उनके अंदर अपनी तो अशांति है ही दूसरों की भी अशांति फैल जाएगी वो तो एक सेकंड के लिए निचले और शांत स्थिर हम रह सकते तो सदा युद्ध करते करते अंत में फिर योद्धा के रूप में शरीर छोड़ेंगे तो फिर नेचुरली सत्यु की स्वर्ग तो चले जाएगा त्रेता में आए बाबा हम बच्चों के शिक्षक भी हैं तो बाबा हम बच्चों के पिता भी हैं तो बाबा ने आज बच्चों को उनकी चतुराई बताई हाँ। बाप से तो कुछ छिप नहीं सकता तो बाबा चतुराई बताते कि तुम क्या करते हो बाबा कहते तुम्हारा चतुराई का खेल देख रहा था याद आ रहे हैं तुमको अपने खेल सबसे बड़ी बात दूसरे के अवगुण को देखना जानना इसको बहुत होशियारी समझते हैं। इसको ही नॉलेजफुल समझ लेते हैं लेकिन जानना अर्थात बदलना जान तो लिया कि ये अवगुण है लेकिन नॉलेज की शक्ति से अपने व दूसरे के अवगुण को भसम किया हाँ। परिवर्तन किया बदल के बदला बदला के दिखाया व बदला लिया अगर नॉलेज फुल की लाइट माइट को कार्य में नहीं लाया तो क्या उसको जानना कहेंगे नॉलेज फुल कहेंगे नॉलेज हाँ। तो ले ली लेकिन नॉलेज के आधार पर जो बदलना चाहिए वो शक्ति नहीं है तो नॉलेज उल्टा काम करेगी कि आपको नॉलेज है लेकिन आप परिवर्तन नहीं कर सकते तो बाबा कहता है कि नॉलेज किस काम की हुई तो चतुराई किस काम आई इसके भेंड में तो बाबा कहते हैं जो इस प्रकार की यथार्थ नॉलेज को धारण नहीं करते वो लाख गुना अच्छे हैं नॉलेज की लाइट और माइट हाँ ना स्वयं को बदला और माना शक्ति ना स्वयं को बदला हाँ। और ना दूसरे को बदला और उसको नॉलेज को फैलाना शुरू कर दिया फायदा क्या हुआ कहते हैं ना कभी कभी ब्राह्मण पता तो होना चाहिए हाँ। कई ऐसे होते हैं सी बात का जरूरी भी नहीं है कहेंगे थोड़ा नॉलेज तो थो ले लो हाँ। बाबा कहते हैं इस प्रकार के नॉलेज का क्या फायदा है ऐसे जानने वाले से अवगुण को न जानने वाले बहुत अच्छे हैं ब्राह्मण परिवार में आपस में ऐसी आत्माओं को हंसी में बुद्धू समझ लेते हैं। वो बुद्धू समझते हैं। आपस में कहते हो ना कि तुम तो बुद्धू हो कुछ जानते नहीं हो आ, लेकिन इस बात में बुद्धू बनना अच्छा आ, है। कहते हैं तुम्हें कुछ पता ही नहीं है यानी उल्टे समाचार को ना कोई धारण करे उसको भी कोशिश करते हैं उसको अच्छी तरह से देखे तुमको सब पता होना चाहिए उसको ज्ञान समझते हैं न अवगुण देखेंगे न धारण करेंगे न वाणी द्वारा वर्णन का परचिंतन करने की लिस्ट में आएंगे हाँ, बचे रहेंगे अवगुण तो किचड़ा है ना अगर हाँ। देखते भी हो तो मास्टर ज्ञान सूर्य बन किचड़े को जलाने की शक्ति है हाँ। तो शुभ चिंतक बनो बुद्धि में जरा भी किचड़ा होगा तो शुद्ध बाप की याद टिक नहीं सकती हाँ, बताइए पेट्रोल में भी किचड़ा हो तो गाड़ी ठीक तरह नहीं चलती जो हवाई जहाज़ का पेट्रोल होता है बहुत शुद्ध रखा जाता है और रॉकेट का फ्यूल तो बहुत ही शुद्ध रखा जाता है तो बाबा कहते हैं कि मुझ श्रेष्ठ परम पिता परमात्मा को याद करने के लिए तुम किचरे वाली आत्मा हो गए मन में किचरा भरा होगा तो याद टिकेगी नहीं, नहीं।, नहीं तो अकलमंदी हुई या मूर्खता हुई इसे तो बुद्धू रहना अच्छा बुद्धू वो बुद्धू नहीं है वो समझदार है क्योंकि, क्योंकि फालतू बातों में जाएं पहले उनको सुने फिर उनको फैलाएं उससे क्या फायदा बाबा कहता है किचरे को जैसे सूर्य होता है सारे किचरे को खत्म कर देता है तो इसी प्रकार से ज्ञान सूर्य बन के उस किचरे को भस्म करो तब तो कहा जाए नॉलेजफुल बाबा ने कहा गंदगी को धारण करने की एक बार आदत डाल दी हाँ। तो बार बार बुद्धि गंदगी की तरफ न चाहते भी जाती रहेगी हाँ। तो रिजल्ट क्या होगी हाँ। संस्कार बन जाएंगे हाँ। फिर उन संस्कारों को परिवर्तन करने में मेहनत और समय लग जाता है हाँ। दूसरे का अवगुण वर्णन करना अर्थात स्वयं भी पर चिंतन के अवगुण के वशीभूत हाँ। होना है। तो के किसी के अवगुण को वर्णन करना इसका मतलब पर चिंतन करना तुमको क्या लेना है दूसरे से वो अपने कर्मों का फल भोगेगा तो परचिंतन भी एक अवगुण है ना तो जो दूसरे का अवगुण वर्णन कर रहा है वो परचिंतन का अवगुण धारण किए हुए है जो उसको सुन रहा है वो भी परचिंतन को सुनने का हो, हो रहा है दोषी है हाँ बाबा आगे इसको कह रहे हैं दूसरे का अवगुण वर्णन करना अर्थात स्वयं भी परचिंतन के अवगुण के वशीभूत होना लेकिन ये समझते नहीं हो दूसरे की कमजोरी वर्णन करना अपने समाने की शक्ति की कमजोरी जाहिर करना अब देखिए कोई दादियों के आगे जाके किसी भी आत्मा की कमजोरी वर्णन करते हैं आपने देखा होगा दादियाँ उसको सुनती ही नहीं है क्यों कि वो ये देखती है कि ये महारथी कहलाने वाली आत्मा मेरे आगे आके दूसरे की कमजोरी वर्णन कर रही है इसका अर्थ इसको ये नहीं पता लग रहा कि मैं अपने समाने की शक्ति को की कमी को दादी के आगे प्रत्यक्ष कर रहा हूँ जब तुमने धारणी गुणों को करना है एक गुण के आधार पर भी ब्राह्मणों का बाबा ने उस गुण को बड़ा 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 के श्रेष्ठ आत्मा बना दिया और बाबा कहते हैं कि वो फिर श्रेष्ठ आत्मा बनकर फिर जाके दूसरे का अवगुण वर्णन कर रहे हैं तो क्या मतलब हुआ ना समाने की शक्ति है ना सहन करने की शक्ति बाबा ने कहा ना किसी भी आत्मा को सदा गुण मुहूर्त से देखो हाँ। अगर किसकी कोई कमजोरी है अब दिखाई देती है मर्यादा के विपरीत कार्य है भी तो बाप दादा की निमित बनाई हुई सुप्रीम कोर्ट में लाओ खुद ही वकील और जज नहीं बन जाओ भाई भाई का नाता भूल वकील जज बन जाते हो इसलिए भाई भाई की दृष्टि टिक नहीं सकती केस दाखिल करने की मना नहीं है लेकिन मिलावट और खयानत तो नहीं करो जितना हो सके शुभ भावना से इशारा दे दो ना अपने मन में रखो ना औरों को मन भाव होने में विघ्न रूप बनो अब कोई मन भाव हो रहा है कोई योग में जा रहा है उसको रोक कर के ठहरो सुना तुमने ऐसे हो गया अब ना तो अपना कल्याण कर रहे हैं ना उस बेचारे का भी कल्याण कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं इसलिए बाबा कहता है कि उनको उसको बुद्धि मारी जाती है कि हम किस चीज़ का व्यापार कर रहे हैं अवगुणों का लेन देन कर रहे हैं इसको बाबा ने जो बात कही ना हाँ। कि जो निमित्त हैं उसके पास लाओ हाँ शुभ भाव से उसमें कोई एडिशन नहीं करो हाँ। कि मेरी उससे दुश्मनी है उसने उसकी बात को मैं बढ़ा चढ़ा के कहूँ जैसे वकील लोग करते हैं केस के अंदर ऐड कर देते हैं फालतू ना जो बात है जैसी बात है ताकि तुम्हारे मन में ना रहे तो तुम्हारे सीनियर जो निमित्त हैं उसको उसका इशारा दे दो शुभ भाव से और उसके बाद उस संकल्प को समाप्त कर दो इसकी मना नहीं है तो बाबा कहते हैं देखो तुम क्या करते हो प्रैक्टिकल में जिस बात को समाना चाहिए उसको फैलाते हो जिस बात को फैलाना चाहिए उसको समा देते हाँ, हो। ये भी बाबा ने बता ये कह के ये तो सब में है। हाँ। तो सदा स्वयं को अशुद्धि से दूर रखो मनसा में चाय वाणी में कर्म में संबंध संपर्क में अशुद्धि संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्ति से वंचित बना देगी समय बीत जाएगा फिर पाना था इस लिस्ट में खड़ा होना पड़ेगा हाँ। प्राप्ति स्वरूप की लिस्ट में नहीं होंगे पालिया में नहीं होंगे पाना था में होंगे। नहीं, बाबा ने ये जो बात कही ना कि कर्म व संबंध संपर्क में अशुद्धि चाहे मनसा में चाहे वाचा में अवगुण की अशुद्धि इसको टच नहीं करो यही भाव है बाबा आ, हाँ। और बाबा ने इसका और भी ज्यादा आगे विस्तृत रूप बताया है कि टेम्परे गेन और परमानेंट हानि वो भी बाबा ने बताया हर बात को आज बाबा ने इसको स्पष्ट किया बाबा कह रहे हैं इसलिए अपनी प्राप्ति में लग जाओ शुभ चिंतक बनो किसी भी प्रकार के विकारों के वशीभूत हो अपनी उल्टी होशियारी नहीं दिखाओ ये उल्टी होशियारी अब अल्पकाल के लिए अपने को खुश कर लेगी वह ऐसे साथी भी आपकी होशियारी के गीत गाते रहेंगे लेकिन कर्म की गति को भी स्मृति में रखो उल्टी होशियारी उल्टा लटकाएगी अभी अल्पकाल के लिए काम चलाने की होशियारी दिखाएंगे इतना ही चलाने के बजाय चिल्लाना भी पड़ेगा कई ऐसी होशियारी दिखाते हैं कि बाप दादा दीदी दादी को भी चला लेंगे ये सब तरीके आते हैं अल्पकाल की उल्टी प्राप्ति के लिए मना भी लिया चला भी लिया लेकिन पाया क्या और गंवाया क्या दो तीन वर्ष नाम भी पा लिया लेकिन अनेक जन्मों के लिए श्रेष्ठ पद से नाम गंवा लिया तो पाना हुआ या गवाना हुआ आ, कि अपने नाम मान शान के लिए उल्टी बात दूसरों के लिए गलत बात बताकर किसी बात को झूठे रूप में पेश करके अपनी गाड़ी चलाते हैं अपना जिसको टेम्परेरी अपना नाम मान शान कायम रखते हैं जो बहुत मेहनती डिजर्विंग होते हैं उनको कोशिश करते हैं उनका अधिकार भी स्वयं ले लें तो बाबा कहता है ऐसी ऐसी युक्तियां करते हैं धोखा करते हैं झूठ बोलते हैं बाबा कहता है चलो ऐसे कर भी लिया फिर क्या होगा एक दो साल तुम्हारा नाम मान शान रहेगा नकली उसके बाद जो है कितना नुकसान होगा जो सच्ची कमाई जन्म जर मान उससे वंचित हो जाओगे ये सोचो बाबा ने इसमें बहुत अहम आत्माओं के लिए आ, सूक्ष्म जो शिक्षा है ये कि बाप के आगे या परिवार में ये होशियारी ना दिखाओ क्योंकि पर चिंतन करना वैसे ही गलत है अपने आप को कई बार व्यक्ति सत्य सिद्ध करने के प्रयास में भी ऐसी होशियारी कर लेता है ईर्षा के वश हाँ। द्वेष के वश कंपैरिजन के वश कई कारण से आत्मा अपने आप को कई मान लीजिए कोई धनवान है अब धनवान है लेकिन गुणवान भी है अब उसको आगे आगे जा रहा है तो उसके गुण को ना देख कर कहेंगे यहाँ धनवान को आगे किया जाता है मुझे भी आगे करो कई ज़बरदस्ती अपना अधिकार मांगते हैं कि कहीं दूसरे को भेजे जाते मुझे भी भेजो इस प्रकार की जो करते हैं जिद करते हैं हट करते हैं युक्ति करते हैं बाबा कहते हैं अपने सोच चिंतन पर अपनी कमाई पर अपनी धारणा पर ध्यान नहीं रखते नहीं। उसके सभी शेड्स बाबा ने बताए कि छोटी छोटी बात को भी बाबा ने किस प्रकार से स्पष्ट किया है कि दूसरे के आगे किसी की कमजोरी वर्णन करते हो तो अपनी सहनशीलता की कमी को जाहिर करते हो किसी का अवगुण वर्णन करते हो तो परचिंतन के अपने अवगुण को प्रत्यक्ष कर रहे हो फिर बाबा ने कहा बहुत युक्ति करके कुछ ना कुछ कर भी लेते हो तो तुम्हारा नाम हो गया तो बाबा कहते हैं नाम के भूखे जो हैं वो एक प्रकार के बैगर की तरह होते हैं जैसे बाबा कहता है मांगने से मरना भला किसी भी सेवा को किसी भी पद को किसी भी चीज़ को मांग करके लेना बाबा कहता है ये कोई राजा बनने की निशानी नहीं है ये तो दास बनने की निशानी है सारी बातें बाबा ने स्पष्ट की हैं इससे जो आत्माएं समिति हमें अधिकार से वंचित किया जाता है उनको भी बहुत धैर्य रखना चाहिए भगवान कहता है कि मैं कि इस सारे का अधिकार को पूरी तरह से उसको देता हूँ ऐसी आत्माओं के बाबा ने बहुत बड़ा एक अवगुण बताया है कि जो असली सुख है असली खुशी है, है। हाँ वो आ रहा है वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करने का है बाबा कहते हैं और चतुराई सुनाऊ हाँ। फिर ज्ञान की पॉइंट यूज करते हाँ। अभी प्रत्यक्ष फल तो पालो हाँ। भविष्य में देखा जाएगा हाँ। लेकिन प्रत्यक्ष फल अतीन्द्रिय सुख सदा का है अल्पकाल का नहीं आ, कितना भी प्रत्यक्ष फल खाने का चैलेंज करें आ, लेकिन अल्पकाल के नाम से और खुशी के साथ साथ बीच में असंतुष्टता का कांटा आ, फल के साथ जरूर खाते रहेंगे आ, मन की प्रसन्नता व संतुष्टता अनुभव नहीं कर सकेंगे इसलिए ऐसी गिरती कला की कलाबाजी नहीं करो बाप दादा को ऐसी आत्माओं पे तरस होता है बहुत स्पष्ट रूप से बाबा ने बता दिया है बहुत अच्छा उस समय स्वयं को समझ लेते हैं कि हम फायदे में हैं हमारी बात मान ली गई या हम सिद्ध हो गए लेकिन बाबा ने कहा एक तो कांटा लगता रहेगा असंतुष्टता का और दूसरा तींद्रीय सुख से भी और इससे ये भी स्पष्ट होता है कि कई प्रकार की होशियार आत्माएं, बहुत बुद्धि को यूज़ करने वाली आत्माएं, वाक कुशलता वाली आत्माएं, बात को कैसे पेश करना है जैसे कोर्ट में वकील होते हैं अनेक आत्माओं को सीनियर देखते हैं और वो समझते हैं ऐसा बोलने वाले हम बहुत चतुराई कर रहे हैं ये लोग बहुत भोले हैं इनको हम चला लेंगे अपनी वकालत कर लेंगे तो बाबा ने हर शेड का इस प्रकार का जो अवगुण ग्रही है उसका क्या हाल होता है वो किस प्रकार की उल्टी अकल से चलता है हर एक शेड का छोटे से लेकर बड़े तक का ये सारा वर्णन इसमें किया है ये मुरली दस बार पढ़नी चाहिए और इससे हमें पक्का रखना चाहिए कि किसी का भी अवगुण धारण करना मैंने विष्णु वैष्णव कुल से अपने आप को आउट करना तो बाबा कहते जैसे बाप गुण मालाएं गले में पहनाते हैं हाँ। वैसे गुण माला पहनो कंकड़ों की माला नहीं पहनो रत्नों की पहनो याद प्यार पढ़ेंगे ऐसे सदा गुण मुहूर्त सदा प्रभु पसंद सदा सच्चे वैष्णव विष्णु के राज अधिकारी सदा शुभ भावना द्वारा भाई भाई की दृष्टि में सहज स्थित होने वाले सदा गुण ग्राहक दृष्टि वाले ऐसे सदा बाप के समान बनने वाले समीप रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते हाँ। फिर बाबा ने जो वरदान दिया है हाँ जी। वो है ज्ञान खजाने द्वारा मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भाव ज्ञान रत्नों का खजाना सबसे श्रेष्ठ खजाना है अनेक संकल्पों से विकल्पों से और विकर्मों से सदा मुक्त रहना यही मुक्त और जीवन मुक्त अवस्था है स्लोगन है विश्व परिवर्तक वह है जो अपनी शक्तिशाली वृत्तियों से वायुमंडल को परिवर्तन कर दे ये थी बाबा की आज 14 मई 2017 की मुरली बाबा की मुरली हम सबके लिए बहुत ही आँखें खोलने वाली और ज्ञान के गुह्य गति क्या है उसके राजों से भरपूर थी आज की मुरली से हम होमवर्क यही लेंगे चेक करें क्या मेरे कर्म प्रभु पसंद हैं जिनके साथ थोड़ा भी खट्टा मीठा संबंध है हमारा क्या ही अच्छा हो हम उनके गले में गुणों की माला डालें ये होमवर्क हम अवश्य करें आज के दिन इस मुरली को सुनने के बाद ओम शान